फिल्म की शुरुआत होती है और हम आनंद को देखते हैं जो केजीएफ चैप्टर वन में दीपा को केजीएफ की स्टोरी सुना रहे थे। अब आनंद को हार्ट अटैक आने के कारण वो आईसीयू में होते हैं। वहीं उनसे मिलने 25 सालों के बाद उनका बेटा आया था। अब स्टोरी पूरा न होने के कारण दीपा परेशान होती है। तभी दीपा की मुलाकात आनंद के बेटे से होती है जिसका नाम विजेंद्र होता है, जो कि केजीएफ की स्टोरी को जानता था। वो दीपा से बोलता है कि केजीएफ के स्टोरी के कारण उनके पिता उनके फैमिली को भी वक्त नहीं दे पाते थे, मानो जैसे केजीएफ ही उनकी जिंदगी हो। वहीं दीपा की टीम रॉकी के शक्तिशिला को ढूंढ रही होती है, जिसके बारे में केजीएफ चैप्टर वन में आनंद ने दीपा को बताया था। अब खुदाई के दौरान उन्हें वहां शक्तिशिला मिल जाती है। शक्तिशिला के बाहर आते ही वहां हर तरफ से लोग अपने हाथों में जलती हुई मसाले लेकर पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर दीपा की टीम के लोग शक्तिशिला को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब दीपा विजेंद्र से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे केजीएफ की आगे की स्टोरी बताए। अब विजेंद्र दीपा के रिक्वेस्ट के कारण केजीएफ की आगे की स्टोरी बताता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां रॉकी ने गडूरा को मारा था। अब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जब रॉकी गडूरा को मारने जाता है तो पहले वो विराट को मारता है, फिर रॉकी काली माँ के पूजा में गडूरा को मार डालता है। अब गडूरा के मरने के बाद वनराम की सेना रॉकी को मारना चाहती है, पर अब रॉकी के साथ 20,000 मजदूरों का साथ होता है जो बनराम की सेना को खत्म कर देती है। अब सभी मजदूर रॉकी को अपना सुल्तान बना लेते हैं। अब बाहरी लोगों को केजीएफ में क्या हुआ है कुछ पता नहीं होता। अब सूर्यवर्धन के सभी पार्टनर्स विराज के राज अभिषेक के लिए आते हैं। सभी को ये भ्रम होती है कि केजीएफ में तो विराज राज कर रहा है, पर तभी वहाँ हेलीकॉप्टर में रॉकी की एंट्री होती है। रॉकी वहाँ आकर सीधे गडूरा के कुर्सी पर बैठ जाता है और सभी से कहता है कि उसने विराट को मार डाला। रॉकी ने रीना को भी जबरदस्ती अपने पास रखा था, जिसके कारण कमल रॉकी को मारने की धमकी देता है। तभी रॉकी सबके सामने उसे शूट कर देता है, जिससे वहाँ उसकी मौत हो जाती है। पर रॉकी सभी को नहीं मारता, क्योंकि अगर वो सभी को मार देगा तो बिजनेस किससे करेगा। अब केजीएफ में रॉकी के आने से सभी की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि रॉकी ने उन सबको जरूरत की सारी चीजें दी थी जिसे वो गडूरा के वक्त पर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहाँ के सभी लोग रॉकी के लिए जान भी दे सकते थे। अब हमें फरमान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो रॉकी के लिए कुछ भी कर सकता था। अब रॉकी के पास मजदूर तो बहुत होते हैं, लेकिन लड़ने के लिए जवान नहीं होते, और जो लोग थे उन्हें ठीक से बंदूकें पकड़ना भी नहीं आता था। इसलिए रॉकी ने वनराम को जिंदा रखा था ताकि वो नाराची की सिक्योरिटी को संभाल सके। अब रॉकी वनराम को उसके लिए काम करने को बोलता है और उसे बोलता है कि उसे सेक्टर 3.9 के बारे में भी पता है, जिसके बारे में सिर्फ सूर्यवर्धन को ही पता था। अब ये सुनकर वनराम चौंक जाता है। सेक्टर 3.9 का मतलब ये है कि वहाँ सोने की सिर्फ एक माइन नहीं होती, बल्कि वहाँ 9 माइन होती है जिनके बारे में सिर्फ सूर्यवर्धन के अलावा किसी को पता नहीं होता। पर अब रॉकी को उस माइंस के बारे में पता चल जाता है और रॉकी सभी माइंस को खोल देता है, जिसके कारण रॉकी की तरक्की कई गुना बढ़ जाती है। अब रॉकी की तरक्की रॉकी के पार्टनर्स से देखी नहीं जाती और उन्हें अब रॉकी को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, जो होती है रमिका। रमिका बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन होती है जो गुरु पांड्या के ऑपोजिशन पार्टी में होती है। रॉकी के पार्टनर्स को यह पता होता है कि अगर रमिका इलेक्शन जीत जाती है तो वह रॉकी को तबाह कर देगी। अब सभी एक ऐसी वोटिंग प्लान करते हैं जिसमें सभी गुरु पांड्या को छोड़ रमिका को ही वोट देंगे। अब बनराम रॉकी के लिए काम करने लगता है और वहीं के मजदूरों को ट्रेनिंग देकर अपनी फौज तैयार करने लगता है। बनराम रॉकी से कहता है कि मेन गेट से पहले वाले आउटपोस्ट पर 300 लोगों को भेज दे वहां के पुल की सलामती के लिए। उन 300 लोगों में फरमान भी होता है। अब एंड्रयू के पास एक फोन आता है जहां उसे पता चलता है कि रॉकी के सोने से भरे ट्रक वारका जा रहे हैं। अगर उसे नहीं रोका तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब एंड्रयू मुंबई में सेट्टी को फोन पर बोलता है कि रॉकी अब केजीएफ का सुल्तान बन गया है, जो सुनकर सेट्टी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक समय में रॉकी सेट्टी के लिए काम करता था पर आज वो केजीएफ का सुल्तान बन गया है। एंड्रयू उसे और भड़काता है कि अब रॉकी उसकी भी कुर्सी छीन लेगा। अब सेट्टी गुस्से में दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लेता है। वहीं रॉकी अपने आदमियों से बोलता है कि इतना सोना काफी नहीं है, काम की स्पीड को और बढ़ाना होगा। तभी ऊपर से वहां एक तलवार गिरती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो तलवार सूर्यवर्धन के भाई अधीरा का होता है। अब बनराम रॉकी से बोलता है कि केजीएफ की दीवारों ने पानी से ज्यादा खून पिया है, जिसकी वजह यह तलवार है। अपने भाई के लिए उसने उस तलवार के दम पर इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया था।
और आज अगर वो होता तो तुम्हें यहाँ कदम भी नहीं रखने देता। अब हम उस चेक पोस्ट को देखते हैं जो पुल की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अब वहाँ कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जहाँ फरमान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो उन्हें रोकने के लिए पुल को जला देता है। पर उस जलते हुए पुल से कोई उसके और चला आता है जो अधीरा होता है, जिसे देखकर फरमान काफी डर जाता है। सबको यही लगता था कि अधीरा मारा जा चुका है, पर वो अब लौट आया था। अब अधीरा सभी 300 लोगों के साथ फरमान को भी मार डालता है। वहीं एंड्रयू राजेंद्र देसाई को मार डालता है, जिसे टीवी पर देखकर रीना वहां से भागने लगती है, पर रास्ते में उसे अधीरा के लोग पकड़ लेते हैं। वहीं अब रॉकी भी पहुंच जाता है, जहां उन लोगों से उसकी फाइट हो जाती है। तभी अधीरा ऊपर से रॉकी को शूट कर देता है। अब अधीरा रॉकी से बोलता है कि इस साम्राज्य के लिए न जाने उसने कितने लोगों के सर काटे, अब वो यहाँ इतनी आसानी से कैसे राज कर सकता है। अधीरा रॉकी को नहीं मारता, उसे पता था कि रॉकी के लोग जब उसे इस हालत में देखेंगे तो उनका भरोसा टूट जाएगा। अब रॉकी के लोग उसे लेकर केजीएफ पहुंचते हैं, जहां सभी को यह पता चलता है कि अधीरा लौट आया है, जो सुनकर सभी कांपने लगते हैं। वहीं सेट्टी मुंबई में रॉकी के चाहने वालों को एक दावत पर बुलाता है और सभी को जहर देकर मार डालता है, जहां सभी को मारकर वो पूरे मुंबई के साथ पश्चिमी तट पर भी अपना कब्जा जमा लेता है। अब अधीरा केजीएफ में लाशों से भरा एक ट्रक भेजता है और सभी से ये बोलता है कि जो भी केजीएफ के बाहर आएगा उसकी मौत तय है। अब रॉकी का इलाज हो रहा होता है, जहां उसे सेट्टी का फोन आता है, जो रॉकी को धमकी देता है और रीना के बारे में भी गलत बोलने लगता है, जिसके कारण रॉकी को बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्से में रॉकी अनवर चाचा से बोलता है कि वो सेट्टी गैंग को खत्म कर डाले। अब रॉकी अपने साथ रीना और बहुत पैसे और सोने लेकर दुबई चला जाता है, जिसके कारण सभी को ये लगता है कि रॉकी अधीरा के डर से सबको मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया, पर रॉकी नहीं भागा था। रॉकी दुबई जाकर इनायत खलील को एक डील देता है, पर इनायत खलील उसके डील को इनकार कर देता है क्योंकि उसने पहले ही सेट्टी से हाथ मिला लिया था। तभी खलील के पास एक फोन आता है, जहां उसे पता चलता है कि सेट्टी अब कंगाल हो गया है और उसके सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर खलील तुरंत रॉकी से हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। रॉकी वहां खलील से वहां की सबसे अच्छी गन कैलाशनिकोव को खरीदने गया था, इसीलिए वो अपने साथ सोना और पैसा ले गया था। अब रॉकी वहां से सारी बंदूकें खरीद कर लाता है और उन बंदूकों के साथ अपने लोगों को लेकर वारका के लिए रवाना हो जाता है। अब अधीरा को ये लगता है कि रॉकी अपने ट्रक में सोना भरकर ले जा रहा है और वो रॉकी के ट्रक्स को रोकता है। तभी वहां रॉकी बाहर आता है, जिसे देखकर अधीरा अपने आदमियों से रॉकी को मारने को बोलता है, पर तभी रॉकी के लोग ट्रक से कैलाशनिकोव के साथ निकलते हैं और अधीरा के लोगों पर हमला कर देते हैं, जहां उन बंदूकों के सामने अधीरा के सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा को भी गोली लग जाती है। अब रॉकी अधीरा से बोलता है कि अधीरा केजीएफ की ओर आंखें उठाकर भी ना देखे। अब रॉकी सेट्टी के पास जाता है, जहां रॉकी को देखकर सेट्टी डर जाता है और रॉकी के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि वो उसकी कुर्सी ले ले, पर सेट्टी ने रीना के बारे में गलत बोला था, जिसके कारण रॉकी उसे भी जान से मार डालता है। अब रमिका इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बन जाती है। रमिका के पीएम बनते ही रमिका के पास एक सीबीआई इंस्पेक्टर राघवन आता है और रमिका को रॉकी के बारे में सब कुछ बोलता है। रमिका रॉकी के बारे में जानकर हैरान हो जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी अथॉरिटी राघवन को दे देती है। अब राघवन की टीम रॉकी के सभी ठिकानों पर रेड मारने लगती है, जहां उन्हें सिर्फ एक सोने का बिस्किट मिलता है। पर रॉकी को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस सोने के बिस्किट को लेने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाते ही सभी पुलिस रॉकी को देखते ही खड़े हो जाते हैं और एक पुलिस भागते हुए वो सोने के बिस्किट को लाकर रॉकी को देता है। अब रॉकी अपने सोने के बिस्किट को लेकर बाहर आता है। वहीं रॉकी ने एक नई मशीन गन ली होती है, जिससे वो सारे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है, जो कि उस नए मशीन गन की फील्ड टेस्ट होती है। अब रमिका को जब यह बात पता चलती है तो वो गुस्से में रॉकी को टीवी पर धमकी देती है। अब रॉकी भी गोल्ड की सप्लाई बंद कर देता है, जिसके कारण इनायत खलील को यह लगता है कि रॉकी उसे धोखा दे रहा है। अब खलील बौखलाहट में अधीरा के साथ मिल जाता है। वहीं एंड्रयू को एक फोन आता है, जहां कोई एंड्रयू से बोलता है कि वो ये ना समझे कि रॉकी ये सब रमिका के डर से कर रहा है। रॉकी के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अब सारे सोने रोककर उसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा, इसीलिए उसे रॉकी को रोकना होगा, जिसके लिए उनके पास एक ही रास्ता है, जो है अधीरा। अब एंड्रयू अधीरा को रॉकी के खिलाफ भड़काता है, जिस पर अधीरा उसे बोलता है कि बनराम और रॉकी के गार्ड उसके ऊपर किसी का साया तक पड़ने नहीं देते। केजीएफ में रॉकी को मारना बहुत मुश्किल है,
फिर भी अथीरा एंड्रयू से बोलता है कि वो रॉकी को केजीएफ में ही मारेगा, लेकिन वहां जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते होते हैं जहां हर वक्त बहुत सिक्योरिटी होता है, इसीलिए वहां जाने का कोई तीसरा रास्ता उन्हें ढूंढना होगा। अब माइनिंग में ब्लास्ट के दौरान कुछ लोगों को चोट लग जाती है, तभी कोई रॉकी के पास आकर उसे इसकी जानकारी देता है, जिसे सुनकर रॉकी उसे बोलता है कि घायल लोगों को वो पैसे दे दे और उनके जगह पर नए और हट्टे कट्टे लोगों को काम पर रख ले, पर कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए। रॉकी के इस बात से अनवर चाचा को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉकी से बोलते हैं कि अब गड़ूरा और तुझमें कोई फर्क नहीं रहा, तुझमें भी अब गड़ूरा की तरह लालच आ गया है। अब रॉकी अनवर चाचा से सब कुछ बोलने लगता है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। रॉकी बताता है कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, लेकिन कितना अमीर ये रॉकी को भी नहीं पता होता, इसीलिए वो बिना रुके बस पैसे कमाना चाहता था। रॉकी जब छोटा था तो उसकी माँ की मौत गरीबी के कारण हुई थी, उसके पास अपनी माँ की दवाई के पैसे तक नहीं थे, ऊपर से रॉकी के पिता हमेशा दारू के नशे में रहते थे जिसने कभी भी अपने परिवार की देखभाल नहीं की। अब सीन चेंज होता है और रॉकी के पिता एक दुकान पर दारू लेने जाते हैं, पर वो दुकानदार उसे दारू देने से मना कर देता है क्योंकि उसने पिछला उधार नहीं चुकाया था। तभी वहां रॉकी का एक आदमी आता है और वो दुकानदार को सारे उधार चुकाकर उसे दारू दिलवाता है। अब वो उसे दारू का लालच देकर रॉकी के पास ले आता है, जहां रॉकी अपने फादर को अपनी माँ की कब्र के सफाई के काम में लगा देता है। अनवर चाचा के पूछने पर रॉकी बताता है कि वो उसके फादर हैं। जब उसकी माँ जिंदा थी तो उन्होंने कभी उनका ख्याल नहीं रखा, अब वो अपनी आखिरी सांस तक उनकी कब्र की देखभाल करेगा। अब रीना रॉकी से इम्प्रेस हो जाती है और उससे शादी कर लेती है। अब राघवन रमिका के पास आता है और उसे बताता है कि रॉकी इतने पैसे का क्या करता है। वो लाखों लोगों के नाम पर अकाउंट खोलकर उन पर पैसे जमा करता है और उसके सारे पैसे एक ही ट्रस्ट में जमा होते हैं। रॉकी के खिलाफ इतने एविडेंस को देखकर रमिका रॉकी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन वहीं अब रॉकी आ जाता है जो अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और एक फाइल रमिका को देता है जिसमें उसके खिलाफ सारे एविडेंस होते हैं। अब वो खुद रमिका को बोलता है कि उसे अरेस्ट कर ले। अब रमिका वो फाइल खोलने वाली होती है, तभी रमिका के पार्टी के सभी लोग वहां आकर उसे वो फाइल खोलने से रोकते हैं क्योंकि उसके पार्टी के 200 से ज्यादा लोगों को रॉकी ही फंडिंग करता था। अगर वो फाइल खोली तो रमिका के पार्टी के लोगों के नाम भी उसमें आएगा जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। अब रमिका यहां रॉकी को धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। अब अधीरा को भी केजीएफ में घुसने का तीसरा रास्ता मिल जाता है। अब वो एंड्रयू के साथ जमीन खोदकर तीसरी माइन से होते हुए केजीएफ में घुस जाता है। वहीं रीना रॉकी से बोलती है कि वो पेट से है, जिसे सुनकर रॉकी बहुत खुश होता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि अधीरा वहां आकर रीना को गोली मार देता है। अब रॉकी ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वहीं अधीरा अपने तलवार से रॉकी के लोगों के सर काट रहा होता है। अब रॉकी अधीरा से लड़ने लगता है पर अधीरा उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। वहीं अधीरा के लोग केजीएफ के लोगों को मार रहे होते हैं, तभी रॉकी रेत में दबा एक हथौड़ा उठाता है और अधीरा के तलवार के दो टुकड़े कर देता है। अब रॉकी को लड़ता देख रॉकी के लोगों में भी जान आ जाती है और वो सब फिर से लड़ने लगते हैं। वहीं बंदराम अब एंड्रयू को अपने एक हाथ से लटकाकर जान से मार डालता है। अब अधीरा और रॉकी के बीच भी बहुत तगड़ी फाइट होती है, जहां रॉकी अधीरा को बहुत मारता है और आखिर में उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है। अब रॉकी अनवर चाचा से पूछता है कि ये लोग किस रास्ते से घुसे, तो अनवर चाचा उसे बोलते हैं कि तीसरी माइन के रास्ते से। अब रॉकी एक बंदूक उठाता है और सीधे गुरु पांड्यन को मारने के लिए दिल्ली चला जाता है क्योंकि इन सबका मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन ही होता है। अब तक केजीएफ में जो कुछ भी हुआ था और अधीरा को तीसरा रास्ता दिखाने के पीछे गुरु पांड्यन का ही हाथ था। अब गुरु पांड्यन पार्लियामेंट में सभी के साथ बैठा होता है, वहीं रमिका भाषण दे रही होती है, तभी रॉकी के लोग बाहर के सारे सिक्योरिटी को घुटनों पर झुका देती है और रॉकी सीधे पार्लियामेंट में घुसकर गुरु पांड्यन को गोलियों से भून देता है। अब रमिका को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो रॉकी के डेथ वारंट पर साइन कर देती है। अब रॉकी को मारने के लिए सारी पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी लग जाती है। वहीं रॉकी रीना का अंतिम संस्कार करवाकर एक शिप में सारा सोना लेकर निकल जाता है। रीना के मरने के बाद रॉकी भी जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो अपनी लोकेशन सीबीआई ऑफिसर राघवन और रमिका को बता देता है। अब रॉकी मरना तो चाहता था लेकिन अपने सोने के साथ, वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका सोना कोई और छुए, इसीलिए वो सारा सोना लेकर समुद्र के बीच चला गया था। अब उसके पास इतना सोना होता है जितना दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं, और इतने सोने को ठिकाने लगाने के लिए समुद्र से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। अब एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स रॉकी के शिप पर मिसाइल्स छोड़ देते हैं, जिसके कारण रॉकी अपने सोने के साथ समुद्र में समा जाता है। वहीं वो फाइटर प्लेन्स अब पूरी केजीएफ को भी तबाह कर देती है, पर रॉकी ने वहां के लोगों के लिए
पहले ही एक नया केजीएफ टाउन बना दिया था जिसमें सभी के लिए बहुत सारे घर होते हैं। इसीलिए रॉकी उन सभी के दिलों पर राज करता था और इसीलिए वो आज तक रॉकी के शक्ति शिला को संभाल कर रखते हुए आए हैं, जिस पर रॉकी की तस्वीर बनी हुई होती है। अब सभी गांव वाले उस शक्ति शिला को वापस जमीन के अंदर रख देते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है।